सर्दियों के मौसम की सबसे ताकतवर सब्ज़ी जो कि कैल्शियम और फाइबर से एनरिच्ड होती है, बॉडी की हीट को मेंटेन रखती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी रेगुलेशन अच्छे से करती है। प्लीज़ ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सर्दियों की सबसे ताकतवर सब्ज़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, सहजन के फूलों की सब्ज़ी या फिर ड्रमस्टिक फ्लावर्स की सब्ज़ी जो कि कैल्शियम और फाइबर से एनरिच्ड होते हैं और ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करते हैं, उसे मेंटेन रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। फ्रेंड्स, गैस पे मैंने पैन रख दिया है और इसमें 2 गिलास पानी डाला है। साथ में मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच नमक और इन फ्लावर्स को मैं इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इनको अगर आप बॉईल नहीं करेंगे तो इनमें कड़वापन रह जाता है और फिर सब्ज़ी क्या होती है, कड़वी बनती है। तो हमें ये स्टेप स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके फ्लावर्स ही लेने होते हैं। इनकी जो डंठल होती है वो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी होती है क्योंकि वो कड़वापन ले आते हैं सब्ज़ी में। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे, फिर हम इन्हें छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 मिनट हो गए हैं और ये फूल अच्छे से बॉईल हो गए। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें छन्नी से छान लेंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए अब हम गैस ऑन कर देंगे और उस पर एक कढ़ाई रख देंगे। फ्रेंड्स, हमें सब्ज़ी के लिए जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो इस तरह से है। 1 मीडियम साइज़ प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ टमाटर उसे भी बारीक कट कर लिया है, थोड़ी सी 2 चम्मच हरे मटर के दाने हैं, लहसुन की कलियां 5 से 6 मैंने बारीक कट कर ली है, अदरक के टुकड़े कर लिए हैं बहुत छोटे छोटे और 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट कर ली है। और इसमें हमें लगेंगे कुछ मसाले, तो वो कॉमन मसाले हैं 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो हम क्या डाल करेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और मिर्ची। और अदरक भी साथ में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून जाने देंगे। फ्रेंड्स, प्याज भुन गया, अब हम इसमें टमाटर और मटर एक साथ डाल देंगे। ये टमाटर डाल दिया और मटर भी डाल देंगे ताकि मटर अच्छे से भुन जाए और इसे ढक के रख देंगे मटर के भुनने तक। साथ में हम इसमें नमक भी डाल देंगे और नमक हमने क्योंकि पहले भी डाला है तो हम हिसाब से डालेंगे और इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से टमाटर और मटर गल जाए। फ्रेंड्स, हम चेक करेंगे हमारी मटर गले कि नहीं, तो इन्हें हम चला के देखते। मटर और टमाटर अच्छे से गल गए। इसमें हम डाल देंगे अब मसाले, मैंने सारे एक साथ डाल दिए, धनिया, मिर्ची, हल्दी और सब्ज़ी मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए फ्लावर, ये ड्रमस्टिक के फ्लावर, और इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। 10 मिनट बाद हमारी ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। इसे मिक्स करके इसे ढक के रख दीजिए 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, गैस को मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ। अब हम चेक करेंगे हमारी सब्ज़ी कैसी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बनकर रेडी है पूरी तरह से, ये देखिए। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। ये हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।